रिलेशनशिप का खौफनाक अंत। काट कर प्रेशर कुकर में उबाला, टुकड़े टुकड़े कर नाले में फेंका। मुंबई से दिल दहला देने वाली लिव इन रिलेशनशिप की एक और कहानी सामने आई है। यहाँ लिव इन में रह रही सरस्वती को हत्यारोपी मनोज साहनी ने टुकड़े टुकड़े करके प्रेशर कुकर में उबाल दिया। मनोज साहनी ने जुर्म कबूलते हुए कहा कि उसने सरस्वती के 100 टुकड़े कर दिए। सरस्वती को उसने पेड़ काटने वाले कटर से टुकड़े टुकड़े किए। पुलिस सिर्फ सरस्वती की टांग ही बरामद कर पाई। हत्यारोपी मनोज साहनी मुंबई के मीरा रोड में गीता आकाश बिल्डिंग की जे विंग में फ्लैट नंबर 704 में रहता था। शाम 7 बजे पुलिस को पड़ोसियों ने फोन किया कि फ्लैट से बदबू आ रही है। पुलिस आती है, दरवाज़ा खुलवाया जाता है। उसके बाद अंदर जो नज़ारा दिखता है वो दिमाग हिला देने वाला था। एक महिला की हत्या करके उसके टुकड़े टुकड़े किए गए और छत विछत शव को घर के अंदर ही छोड़ दिया। 56 साल के मनोज साहनी और 36 साल की सरस्वती वैद लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज ने सरस्वती की हत्या के बाद पेड़ काटने वाले कटर खरीदा। इसी कटर से उसने शव के टुकड़े किए, लेकिन एक और गंभीर आरोप मनोज पर लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक शव के टुकड़े करने के बाद मनोज के कुछ हिस्सों को कुकर में उबाला भी। पुलिस ने फ्लैट पर पहुंचकर पॉलीथीन्स में भर के शव के टुकड़े को कब्जे में लिया। डिप्टी पुलिस कमिश्नर जयंत बाजवाले ने बताया कि कपल यहां लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। एक मर्डर केस यहां पे रजिस्टर हुई है टुरिंस पुलिस स्टेशन में। इसमें मृतक एक 37 वर्षीय महिला है जिसका नाम मेघा है, और जो एक हार्दिक शाह नाम के व्यक्ति के साथ एक पिछले करीबन एक महीने से किराए का रूम करके वहां पर रह रही थी। हार्दिक कुछ काम नहीं करता था, इसके कारण उनमें हमेशा झगड़े होते थे। तो उस कारण से, वो झगड़े के कारण से हार्दिक ने मेघा का गुस्से में आकर उसका मर्डर किया, और घर का सामान, उसकी लाश उसने बेड में, घर के बेड में छुपाई। उसको रास्ते में रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया है और उसको ताबा लेने के लिए यहाँ से, महाराष्ट्र से, हमारी पुलिस स्टेशन की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम रवाना हो गई है। हत्या के पीछे मकसद और उसने इसे कैसे अंजाम दिया, इसका पता लगाने के लिए जांच कर रही है। मनोज साहनी पर हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक ऐसा लगता है कि मनोज ने सरस्वती की हत्या 3 से 4 दिन पहले की हो। फिलहाल शव के टुकड़ों को इकट्ठा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। फ्लैट को सील कर दिया गया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक मनोज साहनी मुंबई के बोरीवली इलाके में दुकान चलाता है। वही सरस्वती वैद्य के परिवार के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।